हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज आराधना की देसी रसोई में बना रही हूँ मैं साबूदाना बड़ा साबूदाना कैरामेल खीर और ये दही की चटपटी चटनी जो साबूदाना के बड़े के साथ बहुत ही सुपर कॉम्बिनेशन वाली थी ये दही की चटनी। तो इस दही की चटनी को साबूदाना के बड़े के साथ इस बार आप ज़रूर बना के देखिएगा। और ये कैरामेल साबूदाना खीर ये कैसे बनाया है ये सब की रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कटोरी जितना ये साबूदाना लिया था जिसे 5-6 घंटा सोख कर दिया है जो फूल के आपका 2 कटोरी जितना हो गया है। तो 1 कटोरी जितना मैं साबूदाना ये साबूदाना बड़े के लिए यूज करूंगी और 1 कटोरी का खीर बनाऊंगी। तो बस आपको 2 चीज़ें तैयार करनी है, साबूदाना और आलू, और ये आपका सुपर डिलीशियस थाली बनके तैयार हो जाएगा। कुछ भी अलग अलग तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसे साबूदाना को छन्नी में रख दीजिए ताकि अच्छे से पानी निकल जाए, और जिस बर्तन में भी आप इसे बना रहे हैं उसे अच्छे से वॉश कर लीजिए। साबूदाना चपके नहीं इसलिए मोटे तले का ही बर्तन यूज कीजिएगा। वॉश था लेकिन फिर भी मैंने गर्म पानी से इसे अच्छे से वॉश कर लिया है ताकि खीर में कोई भी नमक या ऑयल ना मिक्स हो, क्योंकि मैं इसमें सब्जी भी बनाती हूँ। तो अच्छे से वॉश करने के बाद पोंछ लीजिए, और पोंछ के यहाँ पे देसी घी मैंने ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून जितना। यहाँ पे मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स इसमें रोस्ट करूँगी, इसमें अच्छा क्रंच आ जाएगा खीर में डालेंगे इसे, इसलिए मैं इसे घी में हल्का सा रोस्ट कर लिया है। यहाँ साथ ही 1 कप जितना मैं मखाना भी इसमें रोस्ट कर लूँगी, जो ये घी बचा है ना इसी में अच्छे से मखाने को भी रोस्ट कर लेते हैं। इन सबको डालिएगा साबूदाने के खीर में, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 मिनट लगेगा, बस मखाने भी अच्छे से भुन जाएंगे। तो अब मखाना भी जब अच्छे से भुन जाएगा तो इसे भी निकाल लेते हैं। उसके बाद इसी पैन में अब 1 चम्मच जितना घी और ऐड कर देते हैं, और ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं ये छोटी इलायची का पाउडर है उसे ऐड कर रही हूँ। इससे खीर में बहुत अच्छा फ्रेगनेंस आएगा। और ये 1 कटोरी जितना साबूदाना इसमें डाल दिया है, इसको हल्का सा बस आपको फ्राई करना है, ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। इससे बिल्कुल चिपचिपापन नहीं आता है, साबूदाना बिल्कुल खिला खिला खीर जैसा ही बनके तैयार होगा आपका। अब आपको दूध ऐड कर देना है। ध्यान देना है कि दूध आप ठंडा मत ऐड कीजिएगा, आप दूध हल्का गर्म या थोड़ा सा लुकवर्म होना चाहिए, तभी अच्छा से ये साबूदाना पक जाएगा। बहुत ही जल्दी बन जाता है अगर आपका साबूदाना अच्छी तरह से रात भर सोक किया हुआ है, या 5-6 घंटे भी अच्छे से भिगो के रखा हुआ है। तो अब देखिए ये ड्राई फ्रूट जो मैंने रोस्ट किए हुए थे इनको ऐसे नहीं डालेंगे, बस हल्का सा पल्स दे दीजिएगा, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, हल्का पल्स देके इसे चूड़ा कर लेना है। मिक्सी ग्राइंडर में ही हो जाएगा, देखिए कुछ इस तरह से, इसमें कुछ चंक्स भी है और कुछ पाउडर भी है। तो इसको अब हम डाल देते हैं, और देखिए आपका खीर बनके तैयार भी हो गया है। कैसे तैयार हो गया है ये कैसे पता चलता है, तो आप जब इसे उठाएंगे तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा आपको दिखेगा। मैं अभी आपको दिखा दे रही हूँ, ये देखिए बिल्कुल मोतियों जैसा खिला खिला आपका ये खीर बनके तैयार हो गया। साबूदाने का बिल्कुल लसलसापन नहीं है इसमें, तो हल्का सा भून लेना ही अच्छा रहता है। साथ ही यहाँ पे मैंने डाल दिया है देसी खांड, आप चाहें तो चीनी डाल सकते हैं, पर मैं इसे खांड डाल के बना रही हूँ। और इसे और भी अच्छा एक फ्लेवर देने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये नारियल का भूरा है इसे ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे हल्का सा ड्राई करके इसमें डालिएगा ज़रूर, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब खीर को एक अच्छा सा कैरामेल टेस्ट देने के लिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच जितना ये चीनी को कैरामेल कर लिया, पिघला लिया है, और इसे पिघल जाने के बाद 2 चम्मच जितना आप दूध डाल दीजिए, और फिर इस दूध को खीर में डाल दीजिएगा। ये बहुत ही सोंधा सोंधा जो कड़ करके जो खीर बनके तैयार होती है ना, वैसा टेस्ट आएगा आपका साबूदाने की खीर का। तो आप देखिए कि कितना अच्छा और यमी लग रहा है, बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही यमी बना था, आप ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब झटपट हम बड़ा भी बना लेते हैं। तो साबूदाना बड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कटोरी जितना मैश किया हुआ ये उबाला हुआ आलू है, इसे अच्छी तरह से मैंने मैश कर लिया है। अब इसमें मैं 1 कटोरी जितना ये साबूदाना डाल रही हूँ। तो 1 कटोरी के लिए हमें 2 कटोरी जितना बॉयल मैश किया हुआ आलू चाहिए।
तो साबूदाना अब इसमें आलू में डाल दे रही हूँ, साथ ही में डाल रही हूँ यहाँ पीनट्स, तो बिल्कुल कच्चा है, रॉ ही है, भुना नहीं है, पर मैंने इस तरह से दरदरा इसे कूट लिया था, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, डालिएगा ज़रूर इसी तरह दरदरा कूट के। धनिया पत्ते डाल दिए हैं बारीक चॉप किए हुए, और ये ऐसे ही कूटा हुआ मैंने जीरा डाल दिया है, और यहाँ पे डाला है थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्ची। जीरा डाला है कूट के, भुना हुआ नहीं था, और साथ ही डाल दिया है ये काली मिर्ची, ये भी कूटी हुई है, और स्वाद अनुसार नमक। इन सब को डाल के अब अच्छे से मैश कर लीजिए। इन सब का स्वाद बड़े में बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए इन सब को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा या कम डालिएगा ज़रूर। बहुत ही चटपटा और स्वादिष्ट बड़े बन के आपके तैयार होंगे। तो आप इक्वल साइज़ में पहले इस तरह से सबको डिवाइड कर लीजिए, और अब इसे हाथों में अच्छी तरह से दबा दबा कर इसे शेप दे दीजिए। बहुत पतला नहीं बनाइएगा, थोड़ा थिक रखिएगा। पहले आप चेक कर लीजिएगा एक बार आप छान कर, अगर आपका अच्छे से छन रहा है तब तो ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि बड़ा बिखर रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा साबूदाना और डाल के फिर बनाइएगा। तो इस तरह से देखिए अब मेरे साबूदाने के बड़े बन के तैयार हो गए हैं सारे। तो बड़ा के साथ अब हम दही का चटनी भी बना लेते हैं। तो दही चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 4 चम्मच जितना ये गाढ़ी दही ली है, यहाँ पे 1 चम्मच जितना चाट मसाला, 1/2 चम्मच जितना ये कुटी हुई मैंने काली मिर्च डाल दिया है, और 1 चम्मच जितना ये लाल कश्मीरी मिर्च डाल दिया है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, नमक भी डाल दीजिएगा उसी में, और यहाँ पे 1 चम्मच जितना देसी घी लिया है, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी कड़ी पत्ता, और यहाँ पे 1 साबुत मिर्च और पिंच ऑफ हींग डाल दिया है। अब इन सबको अच्छे से भून लीजिए, और उसके बाद उसमें ये दही वाला मिक्सर मिक्स कर दीजिए। दही डाल के इसे चलाते रहिएगा, छोड़िएगा नहीं, नहीं तो ये फट जाएगा, और ये आपका बहुत ही अमेजिंग सा बड़े के साथ कॉम्बिनेशन बैठेगा इस दही की चटनी का। खा के देखिएगा ज़रूर, धनिया की चटनी हमेशा तो हम खाते ही हैं, अब इस बार दही वाली चटनी बनाइएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपके साबूदाने के बड़े के साथ। तो बड़े डालने से पहले आपको तेल को बिल्कुल हाई हीट पे गरम कर लेना है, उसके बाद फिर स्लो कर दीजिएगा, और उसके बाद फिर बड़े को डाल के थोड़ा सा गैप में ही, आपस में नहीं चिपकना चाहिए एक दूसरे से, थोड़ा सा गैप दे के डालिएगा, और इस तरह देखिए उलट पलट के जब ये इतना लाल हो जाए तो आप उसे निकाल लीजिए। तो अब आपका बड़ा भी बन के तैयार है, और हमारा चटनी भी बन के तैयार है, और साबूदाना का खीर भी। ये सब कुछ बनाने में सिर्फ आपको 10 से 15 मिनट लगेगा। साबूदाना और आलू दो चीज़ चाहिए, और आपको ये तीखा मीठा और चटपटा कॉम्बिनेशन वाला व्रत का ब्रंच कहिए या आप लंच कहिए थाली बन के तैयार है। तो कैसी लगी ये रेसिपी प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि मैं आपके लिए ये अच्छे अच्छे डिश बना के वीडियो दिखा सकूं, और इसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो इस बार ये थाली जरूर बनाइएगा। मिलूंगी आपसे फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ।